हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल हेलो फ्रेंड टीवी। और मेरा नाम है अमित। दोस्तों, क्या आप नट्स खाते हैं? नट्स जिसको हम कई बार ड्राई फ्रूट्स भी बोल देते हैं, जैसे कि आमंड्स हो गया, कैश्यू नट्स हो गए, क्या आप वो खाते हैं या फिर नहीं? क्योंकि आज मैं आपको नट्स के बारे में बताऊंगा, सारी जानकारी दूंगा कि अगर आप नट्स अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या क्या आपको नट्स खाने चाहिए। कंप्लीट वीडियो है तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सारी ये जानकारी है, साइंस बेस्ड नॉलेज होगी जो आपको काफ़ी हेल्प करेगी और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देगी नट्स के बारे में। और एक और बात, अगर आपने हमारे चैनल हेलो फ्रेंड टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि यहाँ पे हम साइंस बेस्ड नॉलेज शेयर करते हैं जो आपको बहुत ही हेल्प करेगी, आप अच्छा लाइफस्टाइल जी पाएंगे और एक हेल्दी लाइफ बना पाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपने बचपन में सुना ही होगा कि हमें कहा जाता था कि हमें बादाम खाने चाहिए, हमारे दिमाग के लिए अच्छा रहता है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा, बादाम सिर्फ हमारे दिमाग के लिए ही नहीं, उसके और भी ज़्यादा फायदे होते हैं। और सिर्फ बादाम के ही नहीं, अगर आप अपनी डाइट में कैश्यू नट्स इंक्लूड करते हैं, हेज़ल नट इंक्लूड करते हैं, वॉलनट्स इंक्लूड करते हैं, इन सभी के हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदे होते हैं। और अगर आप अभी भी नट्स अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं किए हैं, नट्स रेगुलरली अभी भी आप नहीं खाते हैं, तो आज ये वीडियो देखने के बाद आप नट्स अपनी डाइट में रेगुलरली इंक्लूड कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ न्यूट्रिशन प्रोफाइल के बारे में। 28 ग्राम मिक्स्ड नट के अंदर 173 कैलोरीज होती है, अराउंड 5 ग्राम प्रोटीन होता है, अराउंड 15 ग्राम फैट होता है। और फैट में आपको बता दूँ, नट्स के अंदर हेल्दी फैट होता है, मोनो अनसेचुरेटेड फैट, पॉली अनसेचुरेटेड फैट, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ये सभी फैटी एसिड होते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। उसके अलावा इसमें अराउंड 6 ग्राम कार्ब्स होता है, फाइबर 3 ग्राम होता है, और काफ़ी सारे विटामिन्स और मिनरल्स भी होते हैं, विटामिन ई, मैग्नीशियम, कॉपर, मैग्नीज, फॉस्फोरस, सेलेनियम, जिंक। साथ में इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो हमें फ्री रेडिकल डैमेज से बचाते हैं। तो अगर आप न्यूट्रिशन प्रोफाइल देखें तो ये मिक्स्ड नट्स की न्यूट्रिशन प्रोफाइल है, तो काफ़ी हेल्दी होते हैं हमारे लिए। अब एक एक करके मैं आपको बताता हूँ कि नट्स खाने के, रेगुलरली अपनी डाइट में इंक्लूड करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे जो पहला फ़ायदा है नट्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करने का, जैसे कि मैंने बताया, इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, इनको एंटीऑक्सीडेंट पावर हाउस भी कहा जाता है। एंटीऑक्सीडेंट हमें फ्री रेडिकल डैमेज से बचाते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट अगर आपकी बॉडी में है तो आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका कंट्रोल रहता है, आपके हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस कम हो जाते हैं और आप एक हेल्दी बॉडी आपकी बनी रहती है। उसके अलावा नट्स वेट लॉस में भी काफ़ी हेल्प करते हैं। पहली बात तो नट्स के अंदर, मोस्टली नट्स के अंदर कैलोरीज बहुत कम होती हैं, तो आप इनको स्नैक की तरह कभी भी खा सकते हैं, जिससे आपकी कैलोरीज भी कंट्रोल में रहेगी और आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स भी मिल पाएंगे और ओवरऑल वेट लॉस में काफ़ी हेल्प मिलती है। अगला फ़ायदा जो है कि आपका, जैसे कि मैंने बताया, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने में हेल्प करता है, आपकी हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस को, रिस्क को कम कर देता है, बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, वाइल बूस्टिंग लेवल ऑफ जो गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है उसके लेवल को बूस्टअप करते हैं जब आप नट्स अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं। साथ में आपका जो टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस हैं वो बहुत कम कर देता है जब आप नट्स रेगुलरली अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा भी नट्स के बहुत, इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे मैं इन्फ्लेमेशन के ऊपर एक वीडियो भी बना चुका हूँ, इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस जो है वो हमारी नट्स आप रेगुलरली अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो वो भी कम हो जाते हैं। तो ये भी नट्स खाने का बहुत बड़ा फ़ायदा है। साथ में इसके अंदर बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, अलग अलग नट्स के अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी फाइबर होता है जो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। फाइबर के ऊपर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके ज़रूर देखें। उसके अलावा नट्स ओवरऑल हमारी बोन हेल्थ के लिए, हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए, सभी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि इसके अंदर ऐसे विटामिन्स मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमारी ओवरऑल हेल्थ को बनाए रखते हैं। अब मैं आपको टॉप नट्स बता देता हूँ जो आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करने चाहिए, जैसे कि आप आमंड्स, ब्राज़ील नट्स, कैश्यूज, हेज़ल नट्स, वॉलनट्स, और ये सभी जो मैं नट्स लिखे हैं आप अपनी डाइट में इंक्लूड करने की कोशिश करें। वैरायटी ऑफ वेज में आप इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि आप इसको डायरेक्टली भी खा सकते हैं या फिर आप स्मूदीज़ में ऐड करके इनको अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। और एक पीनट्स भी मैं बताना चाहूँगा, पीनट्स वैसे तो नट फैमिली से नहीं होते हैं, वो लेग्यूम्स फैमिली से होते हैं, लेकिन उनकी जो न्यूट्रिशन प्रोफाइल है वो काइंड ऑफ सिमिलर होती है नट्स से, तो पीनट्स को भी आप अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें, क्योंकि पीनट्स के भी बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं हमारी सेहत के लिए। तो ओवरऑल बस यही कहना चाहूँगा, नट्स न्यूट्रिशन पावर हाउस बोला जाता है उनको, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन, मिनरल और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं उनके अंदर, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो रेगुलरली उनको अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें।
तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई भी सवाल है इस वीडियो के रिलेटेड या इन जनरल आपका कोई भी सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और हाँ, हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी ज़रूर फॉलो कीजिए, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, वहाँ भी आप मैसेज करके भी हमसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी हम यूनिक कंटेंट शेयर करते हैं जो यहाँ यूट्यूब पे नहीं करते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज देखने को मिलेगी अगर हम वहाँ भी आप फॉलो करते हैं। थैंक यू सो मच।